पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव आशीष अग्रहरि के सामने ही समाजवादी यूथ के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पदों को लेकर आमने सामने आए यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को बमुश्किल समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। मुरादाबाद पहुंचे प्रभारी के सामने ही पद वितरण को लेकर कई समाजवादी युवा नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए और बदलाव की मांग की। मामला है जनपद मुरादाबाद स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय का, जहां पर आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव को पार्टी ने मुरादाबाद का प्रभारी बनाकर भेजा था। जैसे ही प्रभारी मुरादाबाद पहुंचे तो कार्यालय पर युवा नेताओं के बीच गहमागहमी शुरू हो गई और पदों को लेकर खूब उठापटक हुई। इस दौरान हंगामे जैसे आसार बन गए, लेकिन मौजूद जिलाध्यक्ष और प्रभारी ने समझा बुझा कर शांत कराया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रभारी यूथ ब्रिगेड मुरादाबाद ने कहा कि पार्टी के द्वारा उन्हें प्रभारी बनाकर मुरादाबाद भेजा गया है और यहां की स्थितियों से वो पार्टी को अवगत कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप दोबारा एक हफ्ते बाद दोबारा आ जाइए और परमिशन लेकर आइए, जो जितनी भीड़ ले आएगा उसको बंद बस। सही है भाई, तरीके से और सभ्य भाषा में, ये नहीं कि हम जो मुदन मचाएंगे। अनिश भाई से हमारी बात हो गई सुबह, हमने आपको इशारे इशारों में बता दिया हम किसके पक्ष में है किसके नहीं। हम अपनी लड़ाई लखनऊ तक लड़ेंगे और सभ्य भाषा में लड़ेंगे, ठीक है। और इसका भी आप समीक्षा, ये आपका अधिकार है किसकी कमेटी बनी किसकी ना बनी, किसकी है किसकी नहीं, क्योंकि मेरे तो प्रकोष्ठ का मामला है नहीं, ये आपका अधिकार है, आप प्रभारी बन जाए। मुझे खतरा के बीच में हमारे आने से कलेक्टर कुर्सी छोड़ देता होता है, इस समय जाइए हवलदार कुर्सी नहीं छोड़ता है, वही हालत उन सबकी होने वाली है। और एक और प्रभारी, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 2022 टारगेट जो ग्राउंड फ्लोर पे उतर के काम करेगा, जो जमीन से जुड़ा रहेगा, वही हमारा मुरादाबाद। हमारा आगमन संगठन के विस्तार का था, उसकी समीक्षा करनी थी। हमारी आगामी तैयारी 2022 में माननीय अखिलेश सिंह जी को, यादव जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाना ही हम लोग का लक्ष्य है। इस आतताई गुंडी हत्यारी सरकार को उखाड़ फेंकना जर से हम युवाओं का संकल्प है, यही हमारा कारण है। नहीं, मुरादाबाद की स्थिति एकदम सामान्य है। मुरादाबाद में जो है कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मुरादाबाद हमारा बहुत शांत जिला है, बहुत मजबूत है, ये समाजवादियों का गढ़ है। नहीं, ऐसी तो कोई उठापटक नहीं हुई, यहाँ पे सब यूथ है, यूथ अपनी अपनी बातों कहने का सबको अधिकार है। हमें लगता है कि यह पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मामला है, जो हमारे सामने हुआ उसको मैं अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को जो है अवगत कराऊंगा, अब वो उसका काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। अभी 1 अगस्त को कुछ कमेटियां हमारी जो है रिलीज हुई हैं, अभी बहुत कम समय है, ऐसा बात नहीं है कि कमेटियां बन नहीं पाई हैं, कमेटियां बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदेश नेतृत्व ने हमको इसी कार्य के लिए लगाया है, मैं समीक्षा अधिकारी बन के यहाँ आया हूँ, मैं ब्लॉक ब्लॉक तक जाने का कार्य होगा तो मैं करूँगा। कमेटी यहाँ की मजबूत कमेटी देने की जिम्मेदारी हमारी है, वो अब मैं उसको बाखूबी सत्यता के साथ निर्वहन करूँगा। वर्तमान में स्थितियाँ तो हमको सामान्य दिख रही है, हमारे कार्यकर्ता एकजुट है, बिल्कुल। हमारी मुरादाबाद में जो है 6 विधानसभाओं में 6-4 विधायक हमारे हैं, आगे भी 6 के 6 जीतने की हम लोग जो संकल्पित हैं। देखिए, जिला पंचायत का मामला है, जिला पंचायत सत्ता का है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी नाकारी निहत्थी जो है कलंकित सरकार हुई है आज तक के प्रदेश के इतिहास में, कि उसके इतना नीचे गिरा हुआ कार्य कोई सरकार कर ही नहीं सकती। वहाँ पर जो है लखीमपुर खीरी में जो है चीरहरण कर दिया जाता है, प्रत्याशी को घर से ही उठा लिया जाता है, प्रस्तावकों को जो है घर से ही कैद कर लिया जाता है, तो सरकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग बहुत ही मादा और जुनून के साथ सरकार से साथ लड़ रहे हैं। भारी जी हमारे शर्मा थे, हाई कमान से आए हैं, हम इनको मैं स्वागत करने आया हूँ और सह सम्मान स्वागत किया है, अपनी बात रखी है, इसको आप विरोध दर्ज, इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई विरोध दर्ज करवा, अपनी बात रखी है।
बात यह है कि ये हमारे प्रभारी हैं, सीनियर हैं, और सीनियर से अगर हम लोग बात नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? मीडिया से जाकर थोड़ी रखेंगे, मीडिया में जाकर थोड़ी कहेंगे कि हमारे बीच में ये दर्द है। नहीं, कहीं पे कोई पेज नहीं है। अब मीडिया बना रही है तो उसको बनाने दो, उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पेज तो कहीं है नहीं। अब पेज अगर संगठन में पेज, मैं नहीं समझता कि पहली बार आप सवाल पूछ रहे हैं कि संगठन में कोई पेज है। कोई लकड़ी का थोड़ी है संगठन, संगठन तो इंसानों का होता है, उसमें पेज कहाँ से आ गया? देखिए, मुझे जो लग रहा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें समय दिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोग प्रस्तुत होंगे, अपनी बात रखेंगे। मीडिया में बयान देने से या सार्वजनिक बयान देने से हमें जो है, अगर हम पार्टी के सच्चे वफादार हैं तो हम मीडिया में या सार्वजनिक जगह पर कोई बयान नहीं देंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अपनी बात रखेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।